निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिवनी मालवा शहर। जितना यह शहर खूबसूरत दिखता है उतना ही इसका इतिहास गौरवान रहा है। आज सिवनी मालवा के अंदर करीब 35,000 की आबादी है। इतिहासकार बताते हैं कि 8वीं-9वीं शताब्दी में यहाँ अति प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किया गया था और भगवान शिव जी के नाम से ही इसका नाम सिवनी मालवा पड़ा। इसी मंदिर के आसपास कभी विकसित आबादी थी, इसलिए मंदिर के सामने ही थोड़ी दूरी पर गणेशगंज नामक एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में अंतर्राज्यीय राजस्थान से व्यापार होता था और इसी कारण से सिवनी मालवा शहर भी पहचाना जाता था। आज भी पुराने नगर में हर गली में 90 अंश का कोण दिखता है। सिवनी मालवा नगर पालिका अंग्रेजों के शासनकाल की होकर 17 मई 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, तो हमारे माननीय विधायक महोदय द्वारा बोला गया कि इससे अच्छा विषय ही नहीं हो सकता है गौरव दिवस मनाने का, इसलिए सिवनी मालवा का चयन किया जाए कि 17 मई 1867 को जो सबसे पुरानी नगर पालिका है इसलिए उसका स्थापना दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। हम सब नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों का ये सौभाग्य है कि आज हमको ये गौरव दिवस हम 17 मई 2022 को जयस्तंभ चौक पर मनाने जा रहे हैं हर्ष और उल्लास के साथ। बदलते हुए समय मान से सिवनी मालवा मराठा साम्राज्य का अंश बना। यही कारण से मराठा साम्राज्य का क्षत्रिय मंदिर यहाँ स्थित है। मालवा नगर के इर्द गिर्द सन 1750 में मराठा साम्राज्य ने यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई थी। फिर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पिंडारगर्दी शुरू हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। सन 1818 को मेजर मैकफर्सन ने होशंगाबाद में प्रभार लिया और सिवनी मालवा में अपना झंडा गाड़ दिया। किले के निर्माण के समय ही ऐसे ही पत्थरों से शिवपुर रोड पर जैन मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी वास्तुकला अपने आप में ही अनूठी है। इसी प्रकार का भी ये क्षेत्र दौलत राव सिंधिया के अधीन भी रहा। भोंसले परिवार ने भी सिवनी मालवा को अपने में समेटा। उनकी स्मृति के रूप में नगर में अति प्राचीन शीतला माता मंदिर है। आम भक्त जन ने इस श्री शीतला माता मंदिर का पूर्ण निर्माण किया। मुगल शासक अकबर ने सिवनी मालवा क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने के लिए अपने एक वजीर पीर मोहम्मद को यहाँ नियुक्ति कर दी। साम्राज्य विस्तार के कारण मांडव के सुल्तान बाज बहादुर से युद्ध हुआ और पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। नगर के पूर्व दक्षिण कोने में शमशान के पास पीर मोहम्मद और उसकी पत्नी का मकबरा स्थित है, जो आज भी राजा रानी के मकबरों के नाम से जाना जाता है। 1825 से लेकर 1865 के दौर में सिवनी मालवा के उपनगर बनापुरा ने विकास किया और बनापुरा में बसाहट शुरू हुई। रेलों की इस आवाजाही के साथ ही अंग्रेजों की गतिविधियां भी बढ़ गईं। नगर में अंग्रेजों के समय का चर्च मुख्य राजमार्ग पर स्थित है और राजा टोडरमल के समय का गुरुद्वारा भी।
सिवनी मालवा नगर में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, जिसमें शिव मंदिर, गायत्री मंदिर, हनुमान मंदिर, शीतला माता मंदिर, बड़ा मंदिर, नर्मदा मंदिर, जगदीश मंदिर, राम जानकी मंदिर, खेड़ापति मंदिर, जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, श्री आदिनाथ जैन मंदिर, श्री श्वेतांबर जैन मंदिर। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए 17 मई 1867 को सिवनी मालवा नगर में नगर पालिका संस्था की स्थापना की। नगर की स्थापना से लेकर 1925 तक नगर की व्यवस्थाएं प्रशासक ही संभाले रहे। 18 अप्रैल 1925 को नगर पालिका में पहले नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में श्री गुलाब चंद जी जैन ने पदभार संभाला। इसके बाद समय समय पर अब तक 18 अध्यक्षों ने पदभार संभाला। नगर की स्थापना से लेकर 1925 तक नगर की व्यवस्थाएं प्रशासक ही संभालते रहे। जिस तरह समय आगे बढ़ता गया, नगर पालिका में अध्यक्षों एवं उनकी परिषदों के रूप में आसीन जनप्रतिनिधियों ने नगर के विकास में कहीं कसर नहीं छोड़ी। आज सिवनी मालवा नगर में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड, सड़क, नाली, शिवराज पार्क, मांगलिक भवन, तरुण पुष्कर, स्विमिंग पूल, रैन बसेरा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मुक्तिधाम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा प्रबंधक इकाई, शहर की सफाई व्यवस्था भी व्यवस्थित की गई। साथ ही साथ नगर में रेलवे स्टेशन, केंद्रीय स्कूल, शासकीय कुसुम महाविद्यालय, पुरानी शाला, कन्याशाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आईटीआई हैं। बच्चों और महिलाओं के सुंदर शिवराज पार्क और राम वाटिका है। किसानों की गल्ला मंडी भी यहाँ है। ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि नगर पालिका में सभी अध्यक्षों ने अपने अपने राजनीतिक दलों के बूते पर नगर के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर रहे क्षेत्रीय विधायकों ने भी नगर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज के एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में सिवनी मालवा की पहचान पूरे प्रदेश में है। और मैंने जो प्रदेश की 400 नगर पालिकाओं में लगभग 260 नगर पालिकाओं का जो भ्रमण किया, तो सिवनी मालवा जैसी हरी भरी और यहाँ का जो एटमॉस्फियर और जो तहसील है, वो ऐसी कहीं तहसील देखने में नहीं आई। यहाँ के नागरिक, आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग एक बहुत सरल और सच्चे स्वभाव के लोग हैं और जो अपने कार्य से सरोकार रखते हैं। और मैं जब से यहाँ पदस्थ हुआ 19 मार्च 2021 को, तब से लेकर आज तक जो नगर पालिकाओं की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका मजबूत, उसकी जो सुविधाएं हैं वो आम नागरिकों को मुहैया हो, तो मेरे जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मजबूत कंधों पे बागडोर मेरे द्वारा सौंपी गई और उन्होंने बाखूबी इसको निभाया। और आज प्रदेश में ही नगर पालिका सिवनी मालवा को स्वच्छता में नंबर वन होने का खिताब 2021 को मिला। और इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव महोदय मनीष सिंह जी और हमारे ऊर्जावान कमिश्नर
निकुंज श्रीवास्तव जी द्वारा मुझे 17 सितंबर 2021 को प्रथम पुरस्कार दिया गया नर्मदापुरम संभाग से। वो गौरव भी इस नगर पालिका को प्राप्त हुआ और इसके बाद मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन 181 पर जो शिकायत दर्ज होती है, आम नागरिकों द्वारा जो दर्ज की जाती है, उसके निराकरण में भी प्रदेश में 34वें स्थान पर है और नर्मदापुरम संभाग में अव्वल दर्जे की ये नगर पालिका सिवनी मालवा को बनाने में मेरे संजय गोयल, अपने स्वच्छता निरीक्षक श्री प्रशांत शर्मा, राहुल शर्मा, सचिन और मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर और राजस्व निरीक्षक, इन सब लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया कि ये खिताब भी सिवनी मालवा को प्राप्त है। प्रदेश में 10वीं बार नंबर 1 है संभाग में और हम सब लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये उत्कृष्ट तहसील हमारी सिवनी मालवा रहे और विकास कार्यों में भी हम पीछे नहीं हैं। हम लोग अपना दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर सभी अधिकारी कर्मचारी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे प्रशासक महोदय भी इस ओर चिंतन रहता है कि विकास कार्य अच्छा हो। हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और विकास कार्यों के लिए कोई भी राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप प्रस्ताव तैयार करें, मध्य प्रदेश सरकार से हम राशि लाएंगे। उसे दृष्टिगत रखते हुए हमने अमृत योजना का प्रस्ताव भेजा सरकार को और वो स्वीकार हो गया और शीघ्र ही उसके अंतर्गत करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी होंगे और इस प्रदेश में नई संभाग में प्रदेश में ये सिवनी मालवा नगर पालिका अग्रणी नगर पालिका के रूप में जानी जाएगी और यहाँ के ऐसे विकास कार्य होंगे हमारे विधायक जी और सांसद जी महोदय द्वारा जो आने वाले समय में इस नगर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।